देखिए जब मकान तोड़ा गया यहाँ पे, दिखा रहा आपको इस साइड से। नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो को दिखाने वाला हूँ चांदपुर अकेलवा भदोही फोर लेन। यहाँ से रिंग रोड है, करीब 9 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोग आ गए लोहता बाजार में। यहाँ मकान टूटने का काम जारी है, तो करीब बताया कि 9 चांदपुर से रिंग रोड 9 किलोमीटर बनाया जा रहा है। उसकी लागत के बाद 272 करोड़। देखिए इधर भी तोड़ा गया है पूरा, देखिए इधर भी पूरा तोड़ा गया, पीछे वाले आगे आ गए, आगे पूरा टूट गया। ये रोड बनना काफ़ी ज़रूरी है, देख सकते हैं रोड की हालत कैसी है। देखिए इधर भी तोड़ा गया है, जैसा देख सकते हैं आप, ये सब पूरा तोड़ा गया है। ये सामने की दुकान भी जाएगी तो तोड़ा जाएगा। देखिए ये सब भी तोड़ा गया है। इधर बना रहे लोग पीछे से अपना, सामने से भी देखिए पूरा तोड़ा गया है। जबरदस्त तरीके से मकान जो तोड़ा गया है, पहले प्रशासन ने तोड़वाया, उसके बाद यहाँ के लोग ने अंधा धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए सामने इधर अभी भी जा रही है, इधर भी देखी जा रही है अपना तोड़ना, साइड में भी देखिए इधर भी तोड़ ही रहे हैं लोग अपना, साइड में भी देखिए इधर भी टूट रहा है। मकान टूटना जा रही है, इधर भी देखिए तोड़ रहे हैं लोग अपना। देखिए इधर भी फ्रंट तोड़ा गया है, इधर भी कितना चौड़ा लग रहा है पहले से तोड़ने के बाद से। देखिए ऊपर से तोड़ा जा रहा है, देखिए इधर भी तोड़ा जा रहा है, देखिए ऊपर से कैसे तोड़ रहे हैं लोग। और इधर भी देखिए, इधर भी तोड़ रहे हैं लोग, चलते हैं हम लोग इधर दिखाते हैं आपको चल के आगे। देखिए इधर भी सबसे ज़्यादा मकान को इधर तोड़ा गया है, और उसके बाद फिर दूसरा नंबर है आपका संदहा, फिर तीसरा नंबर है आपका मोहन सराय। देखिए इधर भी, देखिए इधर भी नए नए मकान तोड़े गए हैं, ये सब भी देखिए। रोड की हालत देख रहे हैं कैसी ख़राब है, यही रोड बन जाएगा तो लोगों को रिंग रोड जाने के लिए काफ़ी आराम हो जाएगा, और जो दूरी की जो लग रहा है आधी घंटा एक घंटा लग रहा है पहुँचने में, तो मात्र 10 मिनट पहुँचेंगे लोग। देखिए जब मकान तोड़ा गया यहाँ पे, दिखा रहा आपको इस साइड से, वहाँ से लेके पूरा आपका आगे तक तोड़ा गया। ये जबरदस्त तरीके से मकान टूट रहा है, मैं बता रहा यहाँ पे। सबसे बेहतरीन रोड बनाया जा रहा है यहाँ पे, पीक्यूसी की रोड बन रही है। यहाँ पे तार भी अंडरग्राउंड किया जा रहा है पूरा, मतलब कोई इंटरनेट वाले हैं तो कोई लाइट वाले, सब तार यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। देखिए हर जगह आपको रोड पे अगर गुजरेंगे तो आपको हर जगह यहाँ पे हथौड़ा सुनाई देगा। तो यहाँ पर सर्विस कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है,
उधर मशीन लगी है, सब देख सकते हैं यहाँ पे सब सीवर लाइन के काम, छोटी मोटी पाइप लाई गई है। इस रोड का काम काफ़ी तेज हो रहा है, बेहतरीन रोड बन रहा है एकदम। देखिए उल्टे पुलटे आ रहे हैं लोग, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा लेकिन लगे जब बन जाएगा रोड तो यहाँ से रिंग रोड और जब गंजारी में तरह से स्टेडियम बन काम जो स्टार्ट हुआ है वो भी वहाँ भी लोगों को जाने में काफ़ी आराम हो जाएगा। ये मुख्य मार्ग होगा, ये इस तरह से मांग के रही है जाने के लिए। सामने पंडाल बना हुआ है, काफ़ी धूल उड़ता है इस रोड पे, तो गिट्टी डाला गया है इसलिए। लेकिन पीछे से रोड बनना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए इधर पंडाल बनाया गया है। देखिए यहाँ पे पुलिया बनाया गया है, पुलिया बनाया गया है यहाँ पे। ये सब रोड जो है काटा गया है मशीन से, आगे मशीन चल रहा है जैसे भी। ये देखिए इधर देखिए ये मशीन है मेन आरसीसी की रोड बनाने के लिए, मशीन यही मेन खड़ी है यहाँ पे, मेन मशीन यही है। दो मशीन है देखिए, एक इधर एक तो पीछे है इसके। आज जो रोड बनाया जा रहा है ना उस पर पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी चल रही थी, बेहतरीन रोड बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ढलैया हो गया है इस पर और बोरी लगा के ताराई किया जा रहा है। तो देखे सीवर पानी सब, ये रोड बनना काफी जरूरी था। कुछ इस प्रकार से रोड बनाया जा रहा है, देखिए इधर भी तराई किया गया है। इस रोड की लाइफ भी काफ़ी लंबी रहेगी, लंबा चलता है रोड है इसलिए ख़राब नहीं होता है ये। थोड़ा गिट्टी है लोगों को दिक्कत हो रहा है, बनने के बाद काफ़ी आराम हो जाएगा लोगों को। हम लोग आ गए जो रोड बना है, ये कितने बढ़िया बनाया गया रोड, ये पता नहीं चला कि गाड़ी चल रही है इस पर, सन्ना सन्ना गाड़ी चल रही है इस पर। ये
हम लोग आ गए इधर। जैसे पुलिया बनाया जा रहा है ये यहाँ पे, देखिए इधर भी बीच में यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। देखिए इधर भी आ गया, इधर भी डायवर्जन किया गया है। इधर का बन गया है रोड, एक नंबर क्वालिटी इसकी है। जितना भी तेरी गाड़ी भगाएंगे इस पर पता नहीं चलेगा। बनारस के भी साड़ी जितने भी सड़कें हैं अगर ऐसे बन जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब गड्ढा मुक्त हो जाए बनारस एकदम। अभी बनारस पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हुआ नहीं है, बहुत सारे जगह रोडें भी ख़राब हैं, उससे भी ध्यान देना चाहिए। जो कंपनी काम करवा रही है CSIL कंपनी काम करवा रही है, ये सब मशीन लगाई गई यहाँ पे। बस हम लोग रिंग रोड पहुँचने वाले हैं। यहाँ तक रोड बन गया पूरा, इधर मैं दुर्गा पूजा की वीडियो अपलोड किया हूँ, वो वीडियो अगर नहीं देखा जाकर चैनल पर देखिएगा। टॉप 5 पंडाल बनाया हूँ उसमें, मतलब जो जो मेन में पंडाल है कवर किया हूँ पूरा। तो हम लोग आ गए, देखिए मेन रिंग रोड पे आ गए। यहाँ तक एकदम रोड बन गया पूरा, सीधा निकाल देगा भदोही निकाल देगा ये। इधर से हम निकल जाएंगे राज तालाब, इधर से निकल जाएंगे राइट साइड से निकल जाएंगे। अरे वहाँ तो चलिए वीडियो को ये समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।